फर्जी संत के सवाल पर आखिर उखड़े आसाराम बोले, संत नहीं गधा हूँ मैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से फर्जी बाबा घोषित किए जाने से आसाराम की नाराजगी काफी बढ़ गई है। जोधपुर में गुरुवार को पेशी पर लाए जाने के दौरान चार दिन से लगातार पूछे जा रहे इस सवाल के जवाब में आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी। हालांकि अखाड़ा परिषद के बारे में वे कुछ भी नहीं बोले। यह पूछे जाने पर कि आप कथावाचक है या संतोष से, मैं आसाराम ने कहा गधा हूँ मैं। इतना कह वे आगे बढ़ गए। लाल पीले हुए आसाराम, नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में 4 साल से जोधपुर जेल में बंद आसाराम को 5 दिन पूर्व देश में साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी घोषित कर दिया। इस बारे में 4 दिन से कोर्ट लाए जाने पर आसाराम ने लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वे कुछ भी बोलने से कतराते रहे। आज एक बार फिर सवाल किए जाने पर वे नाराज हो गए और अपनी चुप्पी तोड़ दी। आसाराम से सवाल किया गया था कि वे स्वयं को कथावाचक मानते हैं या संत। इसके जवाब में भड़कते हुए आसाराम ने कहा कि मैं गधों की श्रेणी में हूँ। इतना कह वे आगे बढ़ गए। कल उन्होंने कहा था कि तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं बोल नहीं रहा हूँ और आप कहते हो कि मैं बहाने बना रहा हूँ।